दोस्तों अभी मैं कर रहा हूँ मम्मी की हेल्प। मम्मा अभी तक ना बनाओ सच के ना तो वार वार बनाओ पेर पेर मम्मा आज के सुन रहा हूँ आज रनो पालक बेरनो बंद हाश पालक शेवन सचिन से मस खान है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आज मैंने बोला था इसको कि तुम व्लॉग स्टार्ट करो, लेकिन इसने बोला नहीं आज मैं नहीं करूँगा, आज तुम व्लॉग स्टार्ट करो और मैं देखूंगा तुम कैसे व्लॉग स्टार्ट करते हो, कल मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा। है और एक चीज ये ना मेरे को बोल रहा है कि मैं आऊंगा आपके साथ तरावी पढ़ने, पर मैं इसको मना कर रहा हूँ क्योंकि इसको ना नींद आएगी, ये छोटा है लेकिन ये बोल रहा नहीं मुझे आना है। इसका जो बड़ा भाई है ना ये आता है मेरे साथ। आ जाओगे तुम या फिर आज नहीं आओगे? आज नहीं आओगे। देखो इसने आज मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। चलो जी इसको मैं ले लूंगा अपने साथ। और इसका जो बड़ा भाई है वो बोल रहा है मैं आज नहीं आऊंगा क्योंकि वो पता नहीं शायद थका हुआ है। मैंने बोला ठीक है आप रेस्ट कर लो। एक और चीज आप लोग अपनी राय जरूर दे देना। जब मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इशा की नमाज से पहले। जब हम इशा की नमाज पढ़ने जाते हैं ना उससे पहले मैं व्लॉग जो नेक्स्ट डे का होता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, और उससे पहले जो मैं व्लॉग ना एंड करता हूँ इफ्तार करने के बाद। आप लोग बता देना कि ये कैसा है, तो आप लोग अपनी राय जरूर देना, तो उसी हिसाब से फिर मैं करूँगा। मुझे लग रहा है ये हिसाब ना ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा होगा। बाकी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने, दिल से शुक्रिया। अभी करते हैं जी तैयारी, पहले करते हैं जी वुजू, वुजू करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे, जाते हैं जी नमाज के लिए, करते हैं इस वीडियो को आगे स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों वुजू वगैरह कर लिया, अभी निकलते हैं जी नमाज के लिए। आज है जी मेरे साथ हमाद। तुम आओगे मेरे साथ नमाज के लिए? चलो बाहर अंधेरा ही अंधेरा यार। चलो जी अभी मिलते हैं जी आपसे नमाज पढ़ने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम तरावी पढ़ के आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये पूरा मेरे साथ कंप्लीट तरावी पढ़ेगा, तो आज इसने कंप्लीट तरावी पढ़ा है। नींद नहीं आई पर तो इधर उधर क्यों देख रहा था मैं ये नमाज में ना इधर उधर देख रहा था, फिर मैंने इसको समझा दिया कि कैसे पढ़ना होता है नमाज। तो ऐसे ऐसे छोटे बच्चे हैं ना जो जिद करते हैं कि हमें आना है तरावी पढ़े, इनको साथ लिया करो मस्जिद में, ताकि क्योंकि अगर इनको आज आदत होगी ना कल को ये ना कंटिन्यूसली फिर नमाज पढ़ेंगे। अभी जी जाते हैं अंदर, पीते हैं चाय, फिर देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है, फिर मिलते हैं आपसे। मैं ना अभी सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब नींद नहीं आती है। मैं बताता हूँ किसकी वजह से नींद नहीं आती है। ये देखो ओ क्या चाहिए, मेरे पास सोना है, मेरे पास सोना है। मिनी शुंगन तुमान अगर तुम मिनी शुंगन तुमान इसको क्या चाहिए, इसी दिमाग पर दन वोट हो घबर खता तुझने मैं शुंगने दून बा कर अलग पानस नहीं जाकर कस जमा कस के नहीं ले गया। मेरे को अभी वीडियो पे एडिट करना है, मैं सोच रहा था अभी वीडियो एडिट करूं पर क्या करूं। चलो जी अभी अपना काम करते हैं, आपसे मिलते हैं जी सीधा शहरी के टाइम। अभी टाइम आ गया जी 5 बज गए, 30 डे चैलेंज है, कंटिन्यूसली 30 दिन व्लॉग बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सहरी हो गई, आपने भी सहरी खा ली। अभी चलते हैं जी नमाज के लिए, वजू मैंने कर लिया, अभी टाइम आ गया 5:43, 5:50 है जी नमाज। अभी चलते हैं जी मस्जिद की तरफ। चलो जी तू उड़ क्या, अभी भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, पता नहीं आज मौसम ने ऐसा क्या यार, रमज़ान में मौसम ख़राब होना यार काफ़ी मुश्किल है ना। चलो जी अभी चलते हैं नमाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज पढ़ के आ गए, अभी करते हैं जी आराम क्योंकि कल रात ना मैं अराउंड सिर्फ आधा घंटा या फिर एक घंटा मैंने नींद की होगी, अभी ना काफ़ी ज़्यादा नींद आई है और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी हूँ मैं। अगर नींद नहीं करेंगे ना तो आपको पता है फिर तबीयत ख़राब होगी, फिर ना रोज़ा छूट जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि रोज़ा छूट जाए, मैं कंप्लीट 30 दिन रखूँगा रोज़ा। आई होप कि आप सब लोग भी रोज़ा रखोगे, साथ के साथ दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह रहमान जिसको जो भी परेशानी होगी वो इंशाल्लाह रहमान जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी जी करते हैं आराम, आपसे मिलते हैं जी सुबह। अभी टाइम आ गया जी 1:18, नमाज का टाइम हो गया, मैंने वजू वगैरह कर लिया, अभी चलते हैं जी नमाज के लिए। चुकना रोज़ दरगे रोज़ दराज मगलो था थटर था ना पूछ का हो ना, इसने आज भी आधा दिन रखा है, पता नहीं ये क्या सीन चल रहा है इसका। चलो भाई ये अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो ये अभी रोज़ा नहीं रख सकता है, अभी चलते हैं पहले नमाज के लिए फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी मौसम भी उतना सही नहीं है बाहर,
उतनी अच्छे से धूप नहीं है, तो एक 19 हो गया, सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं फिर निकलते हैं जी नमाज के लिए। आपसे मिलते हैं जी नमाज के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज पढ़ के आ गए, अभी हाय थोड़ा बहुत हम बाहर, मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, ये देखो जी क्या ज़बरदस्त। अभी ना मुझे मार्केट भी जाना है, आज मैं सोच रहा हूँ कुछ स्पेशल बना लूँ, अभी वो थोड़ी देर में निकल जाते हैं, मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। अभी पहले यहाँ तक जाएंगे थोड़ा बहुत, आगे तक घूमेंगे, उसके बाद निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने सुन मगर बात क्यों क्या छप कर निबर गैस बात क्यों क्या चाहता रोज दरबार तुम क्या पूछा था मम्मा आज किस सुन रहा हूं आज रनो पालक बेरनो बंद हा पालक से मत सचन से मत खान हां बात से से मत जबरदस्त खान मत हां बे आनो पर सहर ने किस बदल के सी मैंने हिसाब गैस क्यों मार रमजान समझ यो वेज नॉन वेज गैस ना सब्जी गैस क्यों सब्जी ज्यादा सलाद है ना चलो जी दोस्तों अभी मैं कर रहा हूं मम्मी की हेल्प मम्मा मैं तक ना बनाऊं सच के ना तो बार बार बनाओ पियर पियर सच कर वो कौन है पियर है हां पियर से बना किन पियर से बना पियर 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 अच्छा अभी मैं देखता हूं भाई मुझे आता है नहीं आता है सेनो शो भी उस ना मैं तक बनाऊं नहीं था इसने का हिच हिच वार आराम सान हिच आज गोड मान आता दी ते पाची बना आज मान दिस मस आज आ चलो एक हो गया वैसे और मशूम बच्ची ने कुछ छि मम्मी हम तो छियोन वो रात को मियोन ही ठीक में बसा थोड़ा बहुत को बोर्ड और पता छि ठीक है कैसा मुझे मिल गया तक बना था क्या बात है वाह यार असल चीता का बना पेड़ बना से नड़ कर दग गायत्री चलो जी हो गया मेरा। तो दोस्तों अभी ना मेरा छोटा भाई हेल्प करेगा मम्मी की, मैंने कर दिए, मैंने इतने सारे बनाए देखो 4-5-6 मैंने बनाया, अभी ये बनाएगा, इसके बाद बनाएंगे ये रोटी। चलो जी अभी मुझे जाना है मार्केट, यहाँ से सब्जी तैयार हो रही है। पालक है क्या बात है। चलो जी अभी जाऊँगा मैं मार्केट, देखते हैं क्या लेके आएंगे। चलो तो दोस्तों नमाज़ पढ़ के आ गए, अभी मैं आया हूँ घर, मुझे जाना है जी मार्केट। यहाँ पे मैं वीडियो को अपलोड कर रहा था जो कि मैंने अपलोड कर दिया, पूरा जो मैं अपलोड वगैरह करता हूँ वो मैं करता हूँ लैपटॉप से, वीडियो वगैरह मैंने अपलोड कर दिया। अभी निकलते हैं मार्केट की तरफ, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम है। आज ना मार्केट जाते हैं असर की नमाज से पहले, क्योंकि हम असर की नमाज घर में ही पढ़ेंगे, फिर जो भी बनाना होगा वो हम बनाएंगे। आज ना टाइम का ख्याल रखेंगे, और मैं जाऊँगा जी बाइक से मैं जल्दी वापस आ जाऊँ, क्योंकि रास्ते में उतना ट्रैफिक जैम नहीं होगा। तो अभी करते हैं पहले वीडियो को अच्छे से अपलोड, रखते हैं सेट करके, फिर निकलते हैं आपसे। चलिए जी, चलो जी अभी मुझे निकलना है मार्केट के लिए, पहले करते हैं जी बाइक को कोल्ड स्टार्ट। चलो चाबी लगा दी मैंने, बिस्मिल्लाह। मौसम क्या ज़बरदस्त है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में कल दिखाया था, ये ना कल रोज़ा था, आज भी रोज़ा है। हाँ। तो दो दिन कंटिन्यू रखे। हाँ। आज तीसरा दिन है। हाँ। क्या बात है माशाल्लाह। देखो अभी साइकिल चला रहा है, इसका मतलब अभी भूख नहीं लग रही ना। नहीं। रोज़ा एक्चुअली जिस्म से नहीं होता है, रूह से होता है, ठीक है। तो खुदा का खौफ जिसको होगा वो रोज़ा रखेगा, आप सब भी रोज़ा रखना तो वो ठीक रहेगा। चलो जी अभी निकलते हैं मार्केट, आपसे मिलते हैं जी बाद में। तो दोस्तों मैं गया था जी मार्केट, अभी मैं आ गया वापस। एक्चुअली मुझे ना मार्केट में अराउंड कितना टाइम लग गया, 2-2.5 घंटे लग गए मेरे को। मेरे को ना एक फ़ोन था जो ठीक करवाना था, उसने इतना टाइम ले लिया ना, तो पूरा जो मेरे को लाना था सामान वगैरह वो मैं नहीं ले पाया। तो अभी मैं सीधा घर आ गया, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया, अभी आ गया 6:37 हो गया टाइम, जस्ट 3 मिनट बचे हैं इफ्तारी में। तो ये जो टाइम होता ना, इस टाइम दुआ करना ज़रूरी होता है, इस टाइम दुआ की फजीलत ना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस टाइम दुआ सीधा कबूल हो जाता है। मैं भी करता हूँ दुआ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ ज़रूर करना, जो जो भी वीडियो में देख रहा है तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। अभी मिलते हैं जी आपसे सीधा इफ्तारी के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तार हो गया। एक बार कमेंट में ज़रूर बताया करो कि किस किस ने आज रोज़ा रखा है। तो अभी मैं अच्छे से खाता हूँ, आपसे मिलते हैं जी बाद में। चलो जी अभी इफ्तार हो गया, अभी चलते हैं नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह जी मगरिब की नमाज हो गई। अभी ये देखो तुम कहाँ थे यार। हिल। हाँ? हिल। अच्छा कुछ अपना काम था क्या? अच्छा ये पता नहीं कहाँ गए थे, मैं सोच रहा था ये कहाँ गए। आज ना मैंने इफ्तार अकेले में किया, क्योंकि ये लोग थे ही नहीं मेरे साथ, इनको कुछ काम था तो ये वहीं पे थे। अभी ये खेल रहे हैं बर्जा के साथ। बर्जा नींद आई है, ये देखो अभी इसको नींद आई है, पूरा दिन थक चुकी है ये।
उसको मैंने आज पूरा दिन बाहर रखा था ना, ऐसे नहीं उठाते, ऐसे नहीं उठाते। चलो जी अभी खाते हैं जी खाना, क्योंकि हम इफ्तार के टाइम पहले रोटी खाते हैं, उसके बाद हम नमाज जब पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने के बाद हम खाना खाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या करते हो, पहले आप खाना सीधा डायरेक्ट खाते हो या फिर आप पहले रोटी खाते हो उसके बाद खाना खाते हो नमाज के बाद। तो हम ऐसा करते हैं, पहले रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद हम खाना खाते हैं, उसके बाद तरावी के बाद हम लास्ट में नमकीन चाय पीते हैं, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं नून चाय। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे, खाता हूँ जी खाना, आपसे मिलते हैं जी खाना खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तार वगैरह हो गया, अच्छे से खाना वगैरह हो गया, हमने सब ने खाना खा लिया। आपने खाना खाया? अभी मैं पी रहा हूँ जी नमकीन चाय, क्योंकि नमकीन चाय ना मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं एक दो तीन कप पी जाता हूँ, अभी मैं सिर्फ एक कप पीऊँगा। अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है, अभी वजू वगैरह भी करना है। मुझे लग रहा है आज के वीडियो को ना यहीं पे करते हैं, एंड आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज पर पहली बार हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।